गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक्चुअली मुझे तीन दिन हो गए दिल्ली आए, और मैंने एक भी दिन व्लॉग नहीं किया क्योंकि हमारा प्लान था दिल्ली टू जयपुर का, तो वो हमारा कैंसिल हो गया है क्योंकि जो काम हम करने आए थे वो डिले होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं कहीं जा रही हूँ, तो आज तो व्लॉग बनता है बिकॉज तीन दिन हो गए हैं। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते तो आपको पता है कि मैं लास्ट तीन दिनों से क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज में बहुत ज़्यादा अपडेट रहती हूँ। तो आज मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब कांट इवन एक्सप्लेन कि मैं कितनी खुश हूँ। जैसे आप लोग कई लोग मतलब नॉट ऑल, कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आज मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ मतलब जिसे मैं पता नहीं कितने सालों से मिलना चाहती थी। I'm so excited and I'm so nervous क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। एंड बट या एक चीज़ बड़ी है कि मुझे अपने हस्बैंड को घर छोड़ के आना पड़ा। वो बेचारे बोर होंगे या मे बी ना हो, गॉड नोज, बट मैं बहुत एक्साइटेड और मैं ना थोड़ा सा लेट हूँ, बट सो स्वीट ऑफ हर कि वो घर पे ही है तब तक वो कह रही कि चल तू निकल पहले, देन मैं आऊँगी, सो दैट कि टाइम क्लैश मतलब ना करे या वो लेट ना हो जाए या मैं लेट ना हो जाऊँ। I'm so nervous. So let's go. मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई घर से आगे आके, क्योंकि मैं वहाँ पे इंट्रो शूट करने लगी थी, तो वहाँ पीछे हॉर्न पे हॉर्न की निकालो गाड़ी, तो मैंने कहीं यहाँ पे रुक के स्पेशली मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट इंट्रो शूट करूँगी उसके बाद जस्ट अ सेकंड उसके बाद ड्राइव करूँगी। सो एक्साइटेड नर्वस, ओहो बंदो नर्वस। आई रीच्ड, बट दीदी को भी कॉल किया, वो मेन गेट पे, और उनका एयरपोर्ट कहीं गिर गया है, एक मतलब कान से गिर गया, एंड आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ। नीचे चले, सो मैं इनकी बात कर रही थी, या फोटो ले रही, या मैं इनकी बात कर रही थी, यही है वो जिनसे मैं काफी टाइम से मिलना चाहती थी। किसका? अगर आप एक खरीदो ना, एयरपोर्ट का बॉक्स खोलो पहले। लाओ ये मुझे पकड़ा दो। लेफ्ट वाला नहीं है ना? लोकेशन ही दे रहा नहीं आ रहा, ये लोकेशन यहीं का ही आ रहा है। उसे ज़ूम करो। उस साइड एक बार चल के देखते हैं बीप की, क्या पता साउंड आ जाए। मेरे को लग नहीं रहा आएगा, नहीं मैं रह नहीं देती, मेरे को लग रहा है क्योंकि इधर क्या था वो कान में लगता है ना। अच्छा अच्छा, हेलो वो ये के कौन ले आया है, गाड़ी के नीचे आके टूट भी गया सकता है। नहीं टूटा तो नहीं है, फोन में दिखा रहा है कहीं गिरा है पर टूटा नहीं अभी तक। कोई नहीं छोड़, दो होते हैं ना वो कान में लगाते हैं। हाँ भाई, एक कर वो इतना बड़ा गिर गया था पहले ही, हमने वो गाड़ी वाला आया दे दिया हमने। कोई नहीं भैया, बहुत ट्राई किया पर एयरपोर्ट नहीं मिला, एंड दी ने होप छोड़ दी थी। सॉरी मैं दी के साथ ज़्यादा क्लिप नहीं शूट कर पाई बिकॉज मैं उनसे ऐसे पहली बार मतलब पर्सनली पहली बार मिल रही थी, तो अच्छा सा नहीं लगता। शी इज़ सुपर क्यूट मैन। सो चलते हैं वापस। भैया गाड़ी की चाबी एक चीज, अच्छा आगे ये वाली भैया चाबी अनलॉक कर दो यहीं से।
दी ने मुझे बहुत प्यारी मैक की लिपस्टिक गिफ्ट की है एंड आई एम सो बदतमीज, मैंने कुछ नहीं गिफ्ट किया। एनीवेज नेक्स्ट टाइम। और या अब घर जा रहे हैं एंड ऑलरेडी मैं लेट हूँ, मेरे हस्बैंड सॉरी मेरे हस्बैंड से ऑलरेडी कैन से मेरी डेट फिक्स थी बट मैं लेट हो गई हूँ। दिल्ली में ड्राइव करना इज नॉट नॉर्मल भाई, यहाँ पे ना एक्चुअली मास्क का भी चलान है अराउंड 500 और मे बी कह रहे हैं अब 2000 हो गया है, बट अच्छा है अकेला बंदा बिना मास्क भी घूम सकता है। और यहाँ की रेड लाइट, चलिए तुम्हारा फोन ज्यादा बेटर है इन वीडियो, ऐसा क्यों? कैमरे दोनों के सेम है, हाँ वो तो मैंने अब ले लेना। चलो ऐसे पहले साइली करते फिर चलना। हाँ साइली कर रहा हूँ। कितनी कर रहा है? सेम भी ये की जो मैंने मिला। तूने पैग लगाना है मोटी? पैग लगाना है। हम डेट में होने के बावजूद बिजी रहते हैं। सो वी डन विद आवर कॉफी डेट एंड मुझे आज थोड़ी सी डांट पड़ी है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का गार्ड उतार दिया था जिसमें ही तभी वो डलवा रहे हैं। मतलब मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में गार्ड नहीं था एंड वो मुझे अलाउ नहीं करते ऐसे, मैं अपने नेल्स मार देती हूँ और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जसमीन इट्स फुल गार्ड। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई बिकॉज सुबह से आज बाहर हूँ एंड आई एम सॉरी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज अच्छा सा नहीं लगता ना जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। चढ़ गया शो क्या नहीं उतर रहा दिखाओ मुझे।